वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कॉम्बो मील जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और साथ ही साथ वो खाने में बहुत ही टेस्टी भी है। इस मील में मैंने तीन आइटम सेलेक्ट किए हैं। जो पहला है खाने के लिए वो है मैगी सैंडविच, दूसरा है KFC स्टाइल एकदम रियल वर्जिन मोहितो, और तीसरा है डेजर्ट, यानी कि एक फुल कॉम्बो मील है। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। ये मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैगी सैंडविच, और उसके लिए हम सिंपली पहले मैगी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बिना प्याज लहसुन की मैगी बनाई है, और जिसमें कि मैंने टमाटर के पीसेस को थोड़ा मोटा मोटा रखा है ताकि वो सैंडविचेस में टेस्टी लगे खाने में। मैंने अच्छे से मसाला मैगी बनाई है ताकि वो टेस्टी लगे। और मसाले में मैंने भुना जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। हमें मैगी को ज़्यादा उबली हुई नहीं बनाना है, हल्की हल्की कच्ची बनाना है ताकि हम उसे थोड़ी देर उसकी स्टीम में ही पकने दें और काफ़ी अच्छा टेस्ट आए। दूसरी तरफ मैंने गैस पे पहले ही तवा रख के ऑन कर दिया था ताकि उसका बेस अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर ब्रेड के ऊपर अच्छे से पूरा घी स्प्रेड करके हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी सेक लेंगे। अब हम मैगी लेंगे, ब्रेड लेंगे और साथ ही साथ एक मसाला चिप्स का पैकेट लेंगे, और उन चिप्स को बेस पे अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में फैला के रखेंगे। फिर उसके ऊपर ज़्यादा सा अमाउंट लेके मैगी का हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर दूसरी ब्रेड लेके ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे और उसे दो पीस में कट कर लेंगे और अच्छे से सर्व करेंगे। आपका मैगी सैंडविच तैयार है, खाने में टेस्टी भी और बहुत यम्मी भी। अब खाने के साथ साथ एक ड्रिंक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम बनाने वाले हैं वर्जिन मोहितो। मोहितो बनाने के लिए हमें स्प्राइट, थोड़ा सा मिंट और एक लेमन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम 8-10 मिनट्स की लीफ लेके उसे धोकर अच्छे से फ्रिजर में रख देंगे। फ्रिजर में 15 से 20 मिनट रखने से वो थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी ताकि लेमन के साथ उसे क्रश करने में आसानी रहे। अब हम नींबू लेंगे और उसके पतले पतले 2-3 स्लाइसेस कर लेंगे। अब हम मिंट्स को फ्रिजर में से निकाल के एक बोल में डालेंगे और साथ ही साथ 2 लेमन के पीसेस डाल के ग्लास से अच्छे से क्रश करेंगे। क्रश्ड नींबू और पुदीना को हम एक ग्लास में डालेंगे और उसके साथ 4-5 पीसेस रफ के डालेंगे, और एक स्पून से उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें ठंडी ठंडी स्प्राइट डालेंगे। अब एक जो एक्स्ट्रा लेमन का टुकड़ा बचा था उससे आधा काट के ग्लास को अच्छे से सजाएंगे। हमारा KFC स्टाइल एकदम रियल वर्जिन मोहितो तैयार है। अब हमारा जो लास्ट चीज़ है वो है डेजर्ट। मैंगो आइसक्रीम के लिए हमें एक मैंगो, 4-5 चम्मच चीनी और आधी कटोरी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ग्राइंडर या फिर हैंड मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम मैंगो को अच्छे से छील लेंगे और उसका सारा पल्प एक बोल में निकाल लेंगे। फिर सारे पल्प को मिक्सचर जार में डालकर चीनी और दूध डालकर अच्छे से ग्राइंड करेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। फिर हमारे तैयार करे हुए मिक्सचर को एक बोल में डाल के उसका बेस ऊपर से नॉर्मल करके फ्रिजर में रख देंगे। जब आइसक्रीम जम जाए उसे फ्रिज में से निकाल कर हम एक बोल में डालेंगे और ऊपर काजू और पिस्ता से गार्निश करेंगे। हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तीनों ही रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और साथ ही साथ बहुत ही खाने में यमी भी है। जो पहला आइटम है वो है मैगी सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और लगता है कि एक बर्गर की तरह है। और जो दूसरा आइटम है वर्जिन मोहितो, वो एकदम KFC का रियल एकदम टेस्ट आएगा। अगर आप उसे घर में बना के देखेंगे आपको एकदम रियल टेस्ट आएगा, जैसे कि KFC में आप लोग वर्जिन मोहितो पीते हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा मेरा आइटम है डेजर्ट, यानी कि मैंगो आइसक्रीम, वो एक रियल सचमुच आम वाली आइसक्रीम। अगर आपने क्रीम बेल की अगर आइसक्रीम ट्राई की है, यानी कि सचमुच आम, आपको एकदम रियल आम का फील आएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। इस मील को घर में जरूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। राधे राधे।